गिन्नी, हलवे में नमक कम है। नमक कम है? जोक था। वैसे आदित्य जी, सुप्रीत जी ने मुझे बताया था आपके पापा जी कितनी टेंशन में थे जब उन्हें पता चला वो इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया, और आज जब उन्हें पता चला कि वो मान गए हैं और वो भी आपकी वजह से, तो उनके चेहरे की मैंने असली खुशी देखी। गर्व से छाती चौड़ी हो गई थी और खुशी के साथ बोल रहे थे, मेरे मुंडे ने कर दिखाया। नहीं, मतलब क्या है उसमें? कुछ भी तो नहीं है। जोक था। व्हाटएवर, फनी नहीं था। व्हाट द खिड़की पर पत्थर फेंका है। मम्मी, आप गुरुजी के घर में हो तो प्लीज दिखावे की फॉर्मेलिटी नहीं, दिल से सेवा करो जैसे गिन्नी भाभी कर रही है। ऐसा गुल्ली, तू ना मुझे ज्ञान व्यान मत दे, मुझे चंगी तरह पता है मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये ना मेरे सामने बार बार गिन्नी भाभी मत किया कर, चिड़ मचती है मुझे। आदित्य बेटा, आज तेरे परिवार को ऐसे सेवा करते हुए देखकर बहुत खुशी हो रही है। तेरी माँ भी ऐसे बहुत बढ़ चढ़ के सेवा करती थी, लेकिन उसके जाने के बाद तेरे परिवार से सिर्फ तेरे दादा ही गुरुद्वारे आते थे अकेले, लेकिन आज ये सब देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू। जिंदगी के स्कूल में वो कर्म ही हमारा आईना है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। तुसी अपने सारे सवाल रब जी से पूछो, सारे जवाब मिल जाने। थैंक यू बाबा जी, गिनी के होने से ऐसा लगता है जैसे घर में माँ की रूह वापस आ गई है। गिनी की वजह से मेरे हिस्से की फैमिली के साथ वाली खुशियों ने मेरा पता ढूंढ लिया है। गिनी मेरी लाइफ का हिस्सा है, ये मेरे सिर पर आपके आशीर्वाद का सबूत है। शायद अब मैं माँ की कमी को भुला सकूंगा। गुरु, तुम रहने दो, हम तुम्हारे हाथ से लंगर नहीं खाने वाले। क्यों हो गया पैन जी, मेरे से कोई गलती हो गई?
हमें तो लगा कि सिंह परिवार का कोई सदस्य हमें लंगर खिलाएगा। बहन जी, मैं सिंह परिवार की ही हूँ। पर हम तुम्हें सिंह परिवार का हिस्सा ही नहीं मानते। तुम चाहती हो ना हम लोग यहाँ बैठ कर आराम से लंगर खाएं, तो यहाँ से निकलो। आमिर जी, चाचा जी, क्यों होया? वो कोई लोग हैं जो गिन्नी भाभी के हाथ से लंगर खाने से मना कर रहे हैं। क्या? चलिए। मेरी वाइफ का यहाँ होने से आप लोगों को क्या तकलीफ है? मैं बताती हूँ तकलीफ क्या है। गिन्नी ग्रेवाल ने आपके साथ धोखे से ब्याह किया है, तो ऐसे धोखेबाज कुड़ी के हाथ से लंगर खाकर हमें पाप का भागी नहीं बनना है। आदित्य सिंह जी, आप जैसे पढ़े लिखे लड़के अगर ऐसी कुड़ियों के जाल में फंसने लग गए तो समाज का क्या होगा? अब तो शादी का नाम भी धोखेबाजी रखना पड़ेगा। आप चाहते हो ना हम लोग यहाँ पर बैठकर लंगर खाएं? तो इस कुड़ी ने बोले यहाँ से निकले। किन्नी, बहुत तमाशा हो रहा है आदित्य जी। आप लोगों को तकलीफ है ना, तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी वाइफ की कोई बेइज्जती करे, बदतमीजी से बात करे, ये मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अच्छी जगह पर आए हैं, लंगर सेवा खाइए, फिर आप जा सकते हैं। कल जो सिंह फैमिली गुरुद्वारे में लंगर की सेवा दे रही है, वो सेवा अगर गिन्नी ग्रेवाल के हाथों से की जाएगी तो हम लोग उसका विरोध करेंगे। इसलिए कल गिन्नी ग्रेवाल को सेवा से दूर ही रखना। तुम्हारा बहुत बड़ा शुभचिंतक। हाय हाय, इस सब का क्या मतलब है? अब हम क्या करेंगे? अब सब कुछ तो गिन्नी कर रही है ना अपने हाथों से। दाल चावल इसने भिगोए, सब्जियां इसने काटी। चलो एक काम करते हैं, जिसने धमकी दी है ना वो हम झूठ बोल देंगे कि ये सब कुछ हमने किया है। नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो जैसा प्लान किया गया है वैसा ही होगा। गिन्नी ने सारी तैयारियां की हैं, कल लंगर की सेवा गिन्नी ही करेगी। तो इस कुड़ी की बात तो मैं आकर आप मेरी नूह के बारे में इतना उल्टा सीधा बोल रही है। आप लोगों ने अगर कोशिश की होती ना थोड़ी सी इसकी असलियत जानने के बारे में, तो जुबान नहीं खुलती आपकी गिन्नी के खिलाफ। बताऊं आपको, इस सैम के कारनामे आए थे हमारे घर किसी और का बच्चा अपने पेट में लेकर, हमारे घर की बहू बनने ये कह के कि ये बच्चा आदि का है। ये है सैम, इसकी असलियत, इसका किरदार। एक बात कान खोलकर सुनिए, गिन्नी हीरा है हीरा, इस सैम की तरह नहीं है, ये है दोगली इंसान।
समझ रहे हैं आप लोग? ते साडा पूरा परिवार गिन्नी दे नाल है। गिन्नी तू चिंता ना कर, बस इनफ, बहुत बोल लिया और नहीं, जवाब चाहिए ना, और ऐसा जवाब दूंगा कि फिर बोल नहीं पाओगी तुम। जिस जगह हम खड़े हैं ना, उससे बेटर जगह नहीं हो सकती जो मैं बोलना चाहता हूं। मैं आदित्यराज सिंह, किन्नी आदित्यराज सिंह से एक बार फिर से अपनी मर्जी से सारे रीति रिवाजों के साथ शादी करूंगा। आप सब इनवाइटेड हैं, तुम भी। बहुत प्यार आ रहा है ना गिन्नी पे, पूरे रस्मों रिवाज के साथ शादी करोगे? उन रस्मों रिवाज के बारे में बताया जो तुम कनाडा से सीख के आए हो? वही रस्मों रिवाज भूल गए जिसमें लड़का लड़की मिलते हैं, एंजॉय करते हैं, उसके बाद लड़का अपने घर, लड़की अपने घर, रात गई बात गई, वो वाले रस्मों रिवाज बताया तुमने? रस्में और वादे वो लोग निभाते हैं जो उसमें विश्वास करते हैं, और तू परिवार और रिश्तों की तो बात ही मत करो, तुम्हारा तो फंडा ही अलग है। तुमने सबको बताया क्या हुआ कनाडा में? बताओ ना। मैं बता देती हूँ, आदित्य सिंह कनाडा में वर्ल्ड बेस्ट जीतने वाले थे, जैसे ही परिवार का नाम आया आदित्य सिंह वहां से दुम दबा के भाग आया। For your information, Indian culture में शादी में वचन दिए जाते हैं और वो वचन को निभाने की कसमें खाई जाती हैं। और तुम जैसा लड़का एक वचन नहीं निभा सकता। और कौन से गुरु से तुमने सब लोगों को इनवाइट किया है? तुम जैसे लड़के और ऐसी लड़की की शादी पे कोई इज्जतदार आदमी नहीं आएगा। आदित्य सिंह, तुम सिर्फ फालतू का एटीट्यूड रखने वाले एक ऐसे लड़के हो जिसको उसके घर वालों ने घर से धक्के मार के निकाला था, जो ना कभी अपनी माँ का हुआ, ना कभी अपने बाप का हो सका, ना ही कभी हो पाएगा। तुम सिर्फ एक बड़े घर की बिगड़ी हुई औलाद हो और कुछ नहीं। बस एक शब्द और मुंह से नहीं निकालोगे तुम, समझी? अरे तुम हो कौन और तुम्हारी हिस्ट्री क्या है सबको पता है, और तुम क्या मेरे बेटे पे उंगली उठा रही हो? तुम तो इसके सामने नजरें उठाने लायक नहीं हो। जो भी इल्जाम इस पे लगाया ना, वो सब मेरी गलतियों की वजह से है, समझी तुम? मेरे बेटे को कोई कुछ नहीं कहेगा, अगर इसमें खामी है ना तो उसका जिम्मेदार मैं हूं। जो कुछ कहना है मुझसे कहो। मैं ही अच्छा बाप नहीं बन पाया कभी, पहले मैंने इसका विश्वास तोड़ा, उसके बाद रिश्तों से इसका विश्वास उठाया, मैं कभी भी इसको ठीक से बड़ा नहीं कर पाया, को एक बेटे का हक नहीं दे पाया,
और ना ही इसकी माँ को कभी उसको पत्नी का हक दिया है। और ये कभी घर से दूर नहीं गया, इसको मैंने, इसके बाप ने घर से दूर भेजा। सुन रहे हैं आप लोग? और इसने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। आदि हमेशा से एक अच्छा बेटा था और आज भी अच्छा बेटा है। बस मैं ही एक अच्छा बाप नहीं बन पाया। इसलिए अगर किसी को कोई भी दोष देना है तो वो मुझसे कहेगा। आज एक बाप अपने बेटे से हाथ जोड़कर माफी मांगता। मुझे माफ कर दो। प्लीज मुझे माफ कर दो आदि। नहीं आप प्लीज उठिए। कुछ सुनना पड़ा ना मेरी वजह से तुझे। मेरे किए की सजा मेरे बेटे को भुगतनी पड़ रही है। माफ कर दे यार, प्लीज माफ कर दे। हाय रब्बा, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। अगर बाप बेटे मिल गए तो मेरी फैमिली का क्या होगा? सैम, तो ये सब इसीलिए बोल पा रही है ना, क्योंकि वीर जी और भाभी ने तेरी करतूत जाने के बाद भी तुझे जेल में भेजा। तुझे तो इनका एहसान मानना चाहिए और तू इन्हीं पे इल्जाम लगा रही है। शर्म आनी चाहिए तुझे। सुन लिया सिमरन प्रीत, तूने और तेरे साथ चिल्लाने वाली जनानियों ने, और जिसे भी बात नहीं समझ आई है ना तो मुझे बता दे, मैं अच्छे से पंजाबी में समझा दूंगी। और कितनी बेशरम है तू सिमरनप्रीत, कल तक आदित्य जी को अपने जाल में फंसा नहीं पाई तो आज उनके टब्बर को तोड़ने चली है। अरे देख इनकी तरफ, बेटे को कुछ बोलती है बाप खड़ा हो जाता है जवाब देने, भाई को कुछ बोलती है बहन तेरा मुंह बंद कर देती है, और मां तैयार है अपने बेटे के लिए लड़ने के लिए। ऐसे टब्बर को तू क्या तोड़ेगी सिमरनप्रीत? तो इस टब्बर को गिराने के लिए चाहे खुद कितनी भी गिर जा, इनका बाल बांका नहीं कर पाएगी।